प्राचीन समय में बनाई गई इमारतें जिन्हें वैज्ञानिक या विशेषज्ञ भी नहीं समझ पा रहे हैं। पिरामिड ऑफ मैजिशियन, जादूगर का पिरामिड, जैसा कि इसका नाम है उसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कोई रहस्यमय इमारत है जिसके बनाए जाने के तरीके के बारे में लोग नहीं जान पाए हैं। ये विशालकाय प्राचीन इमारत एक मायन मॉन्यूमेंट है। इसे पिरामिड ऑफ सूथ सेयर भी कहा जाता है, जो मैक्सिको के उग्जमल नाम के प्राचीन शहर में स्थित है। ये करीब 1500 साल पुरानी है और 131 फीट ऊंची है, जो प्राचीन इमारत के हिसाब से काफ़ी ऊंची है। आज भी यहाँ रहने वाले इसे बनाए जाने के पीछे एक कहानी के बारे में बताते हैं, जिसे एग्जामिना नाम के देवता ने अपने जादुई शक्तियों से सिर्फ एक रात में पूरा बना के तैयार कर दिया था। एक और कहानी में बताया गया है कि इसे एक बौने ने बनाया था, जिसे इस इमारत को 24 घंटे के अंदर तैयार कर देने की चुनौती दी गई थी, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाता। ये कहानियाँ हालांकि काफ़ी दिलचस्प हैं, जिन पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है, पर फिर भी वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये पूरी इमारत इतनी ज़्यादा रहस्यमयी है कि इसका असली नाम भी कोई नहीं जानता। सैक्सेहुआमन कॉम्प्लेक्स। पत्थरों से बने इस प्राचीन कॉम्प्लेक्स को पेरू के कुस्को शहर में पाया गया है, जिन्हें इनका सभ्यता के द्वारा बनाया गया बताया जाता है, पर वहाँ पर कई प्राचीन बनावटों को पाया गया है जो इनका सभ्यता से भी पहले की थी। ये बात इनका सभ्यता के लोगों ने खुद बताई थी। इनका सभ्यता भी प्री इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी, जिस समय उनके पास किसी भी तरह की एडवांस्ड मशीन्स या बिल्डिंग टूल्स नहीं हुआ करते थे, जिससे वो इतनी भारी इमारत और डिजाइंस को बना सकें। इसीलिए इन पत्थरों का इस्तेमाल करके ऐसी दीवारों को बना पाना उस समय संभव रहा होगा, क्योंकि इन दीवारों को विशाल पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है, वो भी इतनी पेशेवर तरीके से कि ये पत्थर आपस में बहुत मजबूती से चिपके हुए हैं, जिनके बीच से एक पतला पेपर भी नहीं निकल सकता। और हैरानी की बात एक और कि इन्हें जोड़ने या चिपकाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, और हर एक पत्थर पर विशेष रूप से काम किया गया है, उन्हें दूसरे पत्थरों से जोड़कर बीच में बची जगहों को भरने के लिए। ये या तो स्क्वायर शेप के हैं या रेक्टेंगुलर हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर ऐसे ही बनाया गया एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था। 1526 में स्पेनिश सेना ने जब कुस्को शहर पर आक्रमण करके 7000 इनकास को मारकर बाकी अनगिनत लोगों को अपना गुलाम बना लिया था, उसके बावजूद उन्होंने सैक्सेहुआमन नाम के इस कॉम्प्लेक्स को नष्ट नहीं किया, जिसकी वजह हो सकती है या तो वो इस बनावट को देखकर हैरान हो गए थे, या तो वो इसे तोड़ ही नहीं पाए। एंशियंट चर्च। अगर सिर्फ एक चर्च को ही प्राचीन समय में चट्टानों को काटकर बनाया गया होता तो भी बहुत कमाल की बात होती, पर इथोपिया में पहाड़ों को काटकर चर्च के कई नेटवर्क फैले हुए हैं जिन्हें प्राचीन समय में बनाया गया था, जो सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इन्हें बनाया कैसे गया होगा। ये पूरा नेटवर्क लाली बेला नाम के गांव में फैला हुआ है। इस गांव में लगभग सब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और यहाँ पर बने हुए प्राचीन चर्चों को बहुत पवित्र और धार्मिक माना जाता है। लेकिन इनको किसने बनाया था और कब बनाया था, ये आज तक कोई ठीक से पता नहीं लगा पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें सन 1187 में सलादीन के जेरूसलम पर कब्जा हो जाने के बाद बनाया गया था, पर बाकी के लोगों का मानना है कि इन्हें 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। इस गांव का नाम इथियोपिया के राजा गैब्री मेस्के लैली बेला पर रखा गया था, जिसका शासन 1181 से 1221 तक रहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी राजा ने आदेश दिया था इन चर्चों को बनाने के लिए, जिसमें इन चट्टानों को काट कर इन्हें बनाया जाना था, विनम्रता और दीनता के प्रतीक के रूप में। इस जगह पर कुल 11 चर्च बनाए गए हैं, जिनके अपने अलग अलग विशेष नाम रखे गए हैं। इनमें से सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रखे गए चर्च का नाम सेंट जॉर्ज है, जिसको एक क्रॉस के आकार में काट के बनाया गया था। इनको बनाने की जिस कठिन और बारीक कला का इस्तेमाल किया गया है वो होश उड़ा देने वाली है, खास तौर पे उस समय में। कैलाश टेम्पल। पर्वतों को काटकर बड़ी इमारतें सिर्फ इथोपियंस ने ही नहीं बनाई थी, बल्कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने भारत देश में देख सकते हैं। कैलाश मंदिर, जो किसी पर्वत को काटकर बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। इसको बनाए जाने के बारे में कहा जाता है कि इसे कई सौ लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसे पूरा होने में 18 से 20 साल का समय लगा होगा। ये एक राजा के आदेश पर बनाया गया था, जिनकी पत्नी उस समय बहुत बीमार चल रही थी।
राजा ने भगवान शिव जी को ध्यान करते हुए संकल्प लिया कि अगर उनकी पत्नी स्वस्थ हो जाती हैं तो वो इस जगह पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चमत्कारी ढंग से उनकी पत्नी की जान बच गई और राजा ने लिया हुआ संकल्प पूरा किया। पर इस मंदिर को देखकर कल्पना कर पाना भी मुश्किल हो जाता है कि इसे साधारण औजारों का इस्तेमाल करके लोगों ने आज से 1300 साल पहले कैसे बनाया होगा, क्योंकि उस समय पर्वत की चट्टान को इतनी बारीकी से काटकर बनाया जाना समझ के बाहर है। और इसे ऐसा रूप देने के लिए 2,00,000 टन वजनी चट्टान को काटकर निकाला गया था। कैलाश मंदिर बहुत विशाल है, जो ग्रीस के पार्थेनन से भी दुगना बड़ा है। 1682 में मुगल शासक औरंगजेब ने इसे नष्ट करने के लिए 1,000 सैनिकों को भेजा था, जो 3 साल तक इसे तोड़ने की कोशिश करते रहे, पर कुछ मूर्तियों के अलावा वो कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए और वापस लौट गए। वॉल ऑफ द 6 मोनोलिथ्स। ओलियन टैटाम्बो, जिसे लोकल्स ओलेंटा भी कहते हैं, ये एक प्राचीन इनका मंदिर था। इसके अलावा एक किला जो खुद में एक गांव भी था। ये जगह पेरो के कुश्को शहर से 95 किलोमीटर दूर है, जहां पर आज भी इस गांव के खंडहरों को देखा जा सकता है। ओलियन टैटाम्बो राज्य पर राजा पैचाकुटी का शासन था, जिन्होंने इस गांव को बसाया था 15वीं शताब्दी में। स्पेनिश आक्रमण के दौरान इसका इस्तेमाल एक किले के रूप में किया गया था, जिसमें स्पेनिश इस किले को तोड़कर इस जगह पर कब्जा नहीं कर पाए थे और वो वापस लौट गए। इस जगह पर प्राचीन सीढ़ियों को देखा जा सकता है, जिन्हें पहाड़ को काट कर बनाया गया था। ये संख्या में 200 हैं, जो दूर से देखने पर विशाल सीढ़ियों जैसी लगती हैं। इनके साथ और भी पत्थरों से बनाई गई दीवारें हैं, जो 15वीं शताब्दी से भी काफ़ी पहले की बनाई हुई हैं, जिनकी मरम्मत करके राजा पैचाकुटी ने उन्हें नया रूप दे दिया, जिनमें कई भारी भरकम और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये छूने में चिकने हैं, ऐसा लगता है जैसे इनकी घिसाई की गई थी। इसी तरह वॉल ऑफ द 6 मोनोलिथ नाम की एक विशाल दीवार को देखा जा सकता है, जिसे 6 भारी भरकम और विशाल पत्थरों को एक में जोड़कर बनाया गया था। हालांकि इस निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया था, पर उस समय इतने भारी पत्थरों को कैसे ले जाकर उन्हें आपस में जोड़ा गया होगा, इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस दीवार की हर चट्टान 50 टन वजनी है, जिन्हें घसीट कर किसी तरह यहाँ पहुँचाया गया और इन्हें इतनी सफाई से एक दूसरे से जोड़ा गया कि बीच में एक इंच की भी जगह नहीं बची है। आज के समय पत्थरों को ऐसा शेप देने के लिए उन्हें गर्म किया जाता है, पर यह चीज़ 12,000 साल पुरानी बताई गई है, तो उस समय ये कैसे संभव रहा होगा, ये कोई सोच भी नहीं पा रहा है। इन खंडहरों के नीचे एक बहुत पुराना गांव मौजूद है, जहां आज भी लोग अपने पुश्तैनी घरों में रहते हैं और पर्यटकों की वजह से दुकान चलाते हैं। प्राचीन समय में कारीगरों ने जो कैनाल बनाए थे, उनसे आज भी पानी पहाड़ों से बहते हुए गांव में पहुंचता है।